अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 2 और 4 देखेंगे। क्वेश्चन 2 है मिड पॉइंट से रिलेटेड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रेशियो थ्योरम या इंटरनल डिवीजन। अभी जो इंटरनल डिवीजन थी जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर ये पॉइंट सी अगर ये मिड पॉइंट बन जाए, यहाँ पर ये मिड पॉइंट बन जाए, ठीक है, अगर ये यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये एम आ गया, तो ऐसी सूरत में एम वन और एम टू दोनों बराबर होंगे। और सिंपलेस्ट वैल्यू के लिए अगर आप कहते हैं कि ये वन है, तो ऐसी सूरत में आपको एम वन और एम टू दोनों को वन लेना पड़ेगा। तो वो जो एम होगा वो एम हो जाएगा, यहाँ एम वन की जगह आप वन रखेंगे, एम टू की जगह वन रखेंगे, तो वन मल्टीप्लाई बी एक्स टू प्लस वन मल्टीप्लाई बी एक्स वन अपॉन वन प्लस वन कॉमा वन मल्टीप्लाई बाई वाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई बी वाई वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन। तो इस तरह से अब हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो जाहिर है वही रहेगा। तो आपके पास एक्स वन पहले लिख दें, तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। हो सकता है कुछ लोगों को याद हो कि उन्होंने ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था। बहरहाल ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इस मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके हमें अब ये एक्सरसाइज करनी है। अब ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 है और इसका क्वेश्चन 2 है। कह रहे हैं कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ, इनके ज्वाइन के मिड पॉइंट निकालने हैं। ये चार पार्ट्स हैं, कोई भी एक हम कर लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट इसका चूज किया, ए लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 0 है, इसे एक्स वन वाई वन कह दिया। दूसरा पॉइंट बी लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स 5, 0 है, एक्स टू वाई टू कह दिया। एम निकालना है, एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये एक्स वन, ये वाई, ये एक्स टू, तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई वाई टू अपॉन टू। वैल्यूज इनकी रख दी, वैल्यूज सॉल्व करने के बाद 4, 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन 4, इसी तरह से बकिया पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में ये है कि मिड पॉइंट दिया हुआ है। इस मरतबा क्वेश्चन 4 है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके क्वेश्चन फोर में कह रहे हैं कि पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ ए 7, 8 एंड बी। यानी ए बी का ये पी जिसके कोऑर्डिनेट्स 3, 4 है मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स 7, 8 दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। हमने अस्यूम कर लिया कि ये एक्स कॉमा वाई है। अब हमें पता है कि मिड पॉइंट में जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन कहलाते हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू कहलाते हैं। तो एक्स कॉमा वाई अब एक्स टू वाई टू है। मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें, फर्ज करें हमें नहीं पता कोऑर्डिनेट्स, तो ये फार्मूला लगेगा ये एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू तो 7 प्लस x अपॉन 2 कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू तो 8 प्लस y अपॉन 2। अब क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 4 दिए हुए थे तो ये इसके बराबर होंगे। जब दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एप्सिसा यानी कि एक्स वैल्यू के बराबर और ऑर्डिनेट यानी कि वाई वैल्यू के बराबर। तो इसको 3 को 7 प्लस x अपॉन 2 के बराबर ले लिया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो गया, और फिर 7 प्लस x 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 7 माइनस 1 तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाके 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, y की वैल्यू 0 आ गई। तो b के कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई थे, अब हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0। अच्छा अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसका क्वेश्चन 5 ये कि गिवन दैट p1 x1 y1 जिस p2 जिसे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है एंड p3 जिसे कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड इट्स वर्टिसेस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म किया। ये देखिए आपको ट्राइंगल जो है वो नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल हमने फॉर्म किया है ए बी सी। P1, P2, P3 इस ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। P1, P2, P3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने हैं। हमने अस्यूम कर लिया कि ए के कोऑर्डिनेट्स a1, b1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स a2, b2 हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स a3, b3 हैं। अब क्या होगा, इसका मतलब है हमें a1, a2, a3 और b1, b2, b3 निकालना है। हम जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उनको यूज़ करेंगे। हमने लिखा p1
जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कॉमा वाई वन है, पता है कि ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले लगा देंगे जिसके मुताबिक ए वन प्लस ए टू अपॉन टू कॉमा बी वन प्लस बी टू अपॉन टू हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है उसमें एक्स वैल्यूज का सम डिवाइड बाई टू और वाई वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाई टू होता है। अब क्योंकि दो पॉइंट्स बराबर हैं तो एक्स वैल्यू के बराबर, वाई वैल्यू के बराबर, तो एक्स वन बराबर हो गया इसके और वाई वन बराबर हो गया इस चीज के। टू इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू एक्स वन बराबर हो गया ए वन प्लस ए टू के, इसे इक्वेशन वन कह दिया, टू दे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू वाई वन बराबर हो गया बी वन प्लस बी टू के, इसे इक्वेशन टू कह दिया। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, पी टू के कोऑर्डिनेट्स निकालें बी और सी के जरिए, तो दोनों की एक्स वैल्यू का सम डिवाइड बाई टू, वाई वैल्यूज का सम डिवाइड बाई टू। तो पी टू के कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूले के मुताबिक ए टू प्लस ए थ्री अपॉन टू और बी टू प्लस बी थ्री अपॉन टू आ जाएंगे। दोनों की दोनों एक पी टू के मतलब पी टू हैं, तो एक्स वैल्यू के बराबर, तो एक्स टू इसके बराबर और वाई टू इसके बराबर, टू दे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू एक्स टू बराबर हो जाएगा ए टू प्लस ए थ्री के और वाई टू दे आगे मल्टीप्लाई होगा तो टू वाई टू बराबर हो जाएगा बी टू प्लस बी थ्री के। इसी तरह तीसरे वाले के लिए कीजिए, तीसरे वाले में पी थ्री के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो कि एक्स थ्री वाई थ्री। अब क्या हो जाएंगे फॉर्मूले के मुताबिक, इसके ए वन प्लस ए थ्री अपॉन टू कॉमा बी वन प्लस बी थ्री अपॉन टू। कंपेयर करें तो x3 बराबर हो जाएगा a1 प्लस e3 अपॉन 2 के, y3 बराबर हो जाएगा b1 प्लस b3 अपॉन 2 के, 2 दे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x3 बराबर हो गया a1 प्लस a3 और 2y3 बराबर हो गया b1 प्लस b3। सारी ऑड इक्वेशंस को देखिए, इनमें a मौजूद है, और सारी इवन इक्वेशंस को देखिए, इनमें b मौजूद है। तो अगर ये ऑड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी 1, 3, 5 को सॉल्व करेंगे तो a1, a2, a3 की वैल्यू निकलेगी, और इवन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यानी कि 2, 4, 6 को, तो हमारे पास बी वन बी टू बी थ्री की वैल्यूज निकलेंगी। तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, एडिंग 1, 2 एंड 5, 1, 3 एंड 5, इन तीनों को ऐड कर दिया आपने। जब इनको ऐड किया तो देखें ये आपके पास आ गया, सब में 2 आ रहा है 2 से, यानी कि 2x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to 2a1 plus 2a2 plus 2a3 आ गया। 2 से पूरे को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ गया। अब सेवन में से वन को माइनस करें, तो देखिए सेवन में से वन, सेवन लिखा फिर वन लिखा, तो एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स वन आ गया और बाकी सब ऐसी रहा, और ए वन से ए वन कैंसिल, ए टू से ए टू कैंसिल, ए थ्री की वैल्यू ये आ गई। बी थ्री बिल्कुल इसी तरह से निकलेगा और सिंपली इसकी वैल्यूज ये हो जाएंगी। इसी तरह सेवन में से थ्री को माइनस किया, जैसे सेवन लिखा हमने फिर उसके बाद थ्री लिखी, तो एक्स वन ऐसी रहा, एक्स टू में से टू एक्स टू निकालेंगे तो माइनस एक्स टू बचेगा, और x3 ऐसे लिख दिया, और a2 से a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, a1 ही आ गया। जब a1 ही आया है तो जब इवन इक्वेशंस के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो b1 आपके पास y1 माइनस y2 प्लस y3 बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेंगे। अब इसके बाद 7 लिखी और उसमें से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास x1 ऐसे ही आ गया, x2 ऐसे ही आ गया, x3 माइनस 2x3 तो ये हो जाएगा माइनस x3, ए वन से ए वन कैंसिल, ए थ्री से ए थ्री कैंसिल, ए टू बच गया, तो ए टू की वैल्यू आ गई एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू ए टू। जब ए टू इस तरह से आ गया तो बी टू आपके पास ही आ जाएगा, लेकिन ये बी वन बी टू और बी थ्री की वैल्यूज कैसे आएंगी, जब आप इक्वेशन टू फोर सिक्स को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे वन थ्री और फाइव को सॉल्व किया, यानी कि टू फोर सिक्स को जब आप एड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास 2y1 plus 2y2 plus 2y3 is equal to 2b1 plus 2b2 plus 2b3 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और फर्दर सॉल्व करने का प्रोसीजर यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6, लेकिन अगर उस क्वेश्चन का सलूशन आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 और उसके आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।